बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद से ये बड़ी खबर है। दो गुटों में टकराव से यहाँ पर तनाव की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। मंदिर बाजार की जमीन को लेकर यह पूरा विवाद दो गुटों के बीच हुआ। शहर के पिराणा गांव में दो गुटों में ये टकराव हुआ। मंदिर मजार के बीच दीवार को लेकर ये विवाद की स्थितियां हुई। तनाव को देखते हुए स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस बल की तैनाती इलाके में की गई है। शहर के पिराणा गांव की ये तस्वीरें हैं जहां पर दो गुटों में टकराव हो गया। मंदिर मजार के बीच दीवार को लेकर यह पूरा विवाद उत्पन्न हुआ। कुछ तस्वीरें भी इसकी सामने आई है जहां पर विवाद की स्थितियां, झड़प की स्थितियां देखने को मिल रही हैं दो गुटों के बीच। हालांकि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए और इलाके में तनाव की स्थितियों को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर की गई है। जानकारी मिल रही है कि कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। वो हम वहाँ पे तुरंत जगह पे पहुँचे थे और जगह पे पहुँचने के बाद हमने वहाँ पे देखा कि दोनों तरफ से जो है एक टोड़ा इकट्ठा हो रखा था और ये टोड़ा जो है एक दूसरे पे पत्थर मारा कर रहा था। और इस पूरी घटना में जो है पुलिस के भी कुछ लोगों को चोट लगी है। और अभी हमने जो है दोनों साइड से, टोड़ा के दोनों तरफ से जो हमने दोनों साइड से लोग डिटेन किए हैं जो ट्रबल मेकर थे, जिन्होंने पत्थर मारा किया था, जो धोखा हथियार ये सब लेके आए थे, उनको हमने डिटेन किया है। और अभी जो है पूरे एरिया में पेट्रोलिंग चालू है और पूरे इस जो है रिलीजियस प्लेस की पूरी पेरिफेरी को जो है हमने इसके चारों तरफ बंदोबस्त लगा रखा। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता उदय रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदय रंजन, अभी क्या स्थिति है इलाके में बताएं और साथ ही पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है, विवाद शुरुआत कैसे हुआ? जी, जो बात की जाए, आप जो मेरे पीछे जो परिसर देख रहे हैं वहीं पर ये पूरा मामला सामने आया था। अलग अलग धर्म के दो समूह थे वो आमने सामने आ गए थे, कब्र और को लेकर और मंदिर को लेकर ये पूरा झगड़ा सामने आया था, जिसके अंदर पत्थरबाजी भी की गई थी। तलवार के साथ ये लोग जो है घुसे थे अंदर और जो मंदिर का परिसर था उसके अंदर जो तोड़फोड़ इन लोगों ने की थी उसका वीडियो भी पूरा सामने आया है। अहमदाबाद जिला पुलिस ने अब तक कुल 35 लोगों को अरेस्ट किया हुआ है दोनों पक्ष को लेकर, मतलब दोनों समूह जो है उनमें से एक समूह में से 17 लोगों को और दूसरे समूह से 18 लोगों को अरेस्ट किया हुआ है। और 307 सहित कलम जो ऐड करके FIR पूरी लॉन्च की गई है। ये जो पूरा मामला है अभी कोर्ट में भी चल रहा है, मगर अभी की जो बात की जाए तो ये पूरा जो एरिया है उसमें शांति बनाए रखने के लिए और लॉ ऑर्डर बनाए रहे उसके लिए पुलिस का कड़ी बंदोबस्त जो है वो भी यहाँ पर तैनात किया गया हुआ है। और इस प्रकार से अभी अहमदाबाद जिला पुलिस की जो है वो जांच चल रही है। जिया, कितने लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी है उधर अंजू? जिया, जो बात की जाए अरेस्ट की तो कल से अरेस्ट शुरू है और आज तक का जो एक आंकड़ा जो सामने आया हुआ है उसमें 35 लोगों को अरेस्ट किया हुआ है और कई लोगों को अरेस्ट करने की कार्यवाही जो है अभी शुरू है। मतलब कल और लोगों को भी अरेस्ट करने की बाकी रहेगी, क्योंकि जो पूरा समूह था वो बहुत ज़्यादा समूह था दोनों तरफ से, तो दोनों पक्षों से अरेस्ट की जाएगी। तो हो सकता है कि शायद 70 या 80 लोगों की अरेस्ट जो है वो 3 से 4 दिन में हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल उदय रंजन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नज़र बना के रखिएगा पूरे मामले पर, आगे आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो अहमदाबाद के पिराणा गांव में मंदिर और मजार के बीच में जो दीवार है उसको लेकर ये पूरी विवाद की स्थितियां उत्पन्न हुई। मजार और मंदिर के बीच दीवार बनाई गई और उसके बाद पूरा का पूरा जो मामला है वो सामने आया। झड़प का मुस्लिम पक्ष की ओर से दीवार का विरोध किया गया। हालांकि पुलिस की तरफ से अब तैनाती की गई है और साथ ही हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इलाके में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति ना देखने को मिले इसका ध्यान पुलिस के अधिकारी रख रहे हैं और पुलिस की तरफ से यह बताया गया कि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ हो रही है। ये तमाम जो आरोप है वो भी लगाए जा रहे हैं। मंदिर की जमीन पर ही मजार है और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि दीवार बनाकर जमीन को कब्जा किया गया, जमीन कब्जा कर रहे हैं। ये तमाम जो आरोप है एक दूसरे के ऊपर यहां पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर आगे और क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि अभी स्थितियां तनावपूर्ण यहां पर बनी हुई है।